पूरे देश में एक बार फिर कोरोना के संक्रमणों की संख्या में उछाल देखने को मिल रहा है, तो वहीं जबलपुर में भी पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। जहां जबलपुर में फिलहाल 43 कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी तक मिले हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण में से एक 74 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में एक बार फिर कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है, तो वहीं प्रदेश में भी आए दिन कोरोना से संक्रमित होने वाले की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। उसी क्रम में जबलपुर में भी 43 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, जहां पर एक 74 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की कोरोना वायरस का इलाज करते वक्त मौत होने का मामला सामने आया। वहीं मामले में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि 74 वर्षीय बुजुर्ग जो कि हृदय रोग से पीड़ित थे, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा था और उनकी कोरोना वायरस की रिपोर्ट पिछले दिनों पॉजिटिव आई, उनके इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं कोविड प्रोटोकॉल के तहत बुजुर्ग अंतिम संस्कार किया गया है। देखिए, एक 74 वर्षीय व्यक्ति एक निजी चिकित्सालय में हृदय रोग के कारण भर्ती हुए थे और डॉक्टरों को ऐसा लगा कि उनके फेफड़ों में भी कुछ इन्फेक्शन लग रहा है, जो कि कई बार हृदय रोग में हो भी जाता है। तब उनका प्राइवेट अस्पताल में ही कोविड टेस्ट हुआ था जो पॉजिटिव आया था। उसके बाद उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया था मेडिकल कॉलेज। फिर मेडिकल कॉलेज में उनको परिस्थितियां उपयुक्त ना लगी हों इस कारण वापस वो प्राइवेट अस्पताल आ गए थे और आज सुबह करीब 9 बजे के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। चूँकि मुख्य बीमारी उनके हृदय रोग था, लेकिन कोविड टेस्ट जो कि पॉजिटिव आया था, और कोविड के पेशेंट्स की संख्या पिछले कुछ दिनों से बढ़ भी रही है, और इसलिए सभी से यही निवेदन किया जा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, जिससे संक्रमण को इसी स्थिति में रोका जा सके। देखिए, कोई भी जो गाइडलाइन दी जाती है वो जिला स्तर पे अधिकार नहीं होते, ये राज्य स्तर से या फिर राष्ट्रीय स्तर से ही गाइडलाइंस बनाई जाती हैं। अभी तक तो कोई इस तरह की गाइडलाइन नहीं आई है कि किसी कार्यक्रमों में या कार्यक्रमों में सीमित संख्या रखी जाए, लेकिन जैसे ही गाइडलाइन आएगी तो हम बड़ी सख्ती के साथ उसका पालन कराने का प्रयास करेंगे। जिसके बाद अब देखना होगा कि बढ़ते कोरोना के संक्रमण के चलते क्या आने वाले दिनों में आम नागरिकों को भी कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, जबलपुर।